चार फरवरी को इंटरनेशनल वर्ल्ड कैंसर डे है। ये दिन मनाया जाता है कैंसर के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए, जिसमें कैंसर प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, अर्ली डिटेक्शन सब कुछ आता है। तो ये दिन जो मनाया जाता है उसमें मेन ये रहता है उद्देश्य कि हम जनसाधारण में कैंसर के प्रति जो मिथ्याएं हैं उनको दूर करें, उनको ये बताएं कि कैंसर ट्रीट होने वाली बीमारी है। अब हमारे पास बहुत अच्छा अच्छा इलाज है, जो नई दवाइयां हैं, रेडिएशन के नए नए तरीके हैं, सर्जरी है, इन सब के लिए हमारे पास अलग अलग मॉडर्न टेक्निक्स हैं, और कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास अब बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो अगर आपका शरीर का कैंसर शुरुआती दौर में पकड़ा जा सकेगा तो और लग के इलाज किया जाए तो वो पेशेंट ठीक हो सकते हैं, नॉर्मल अपनी जिंदगी जी सकते हैं, जैसे बाकी बीमारियों के संग लोग जी सकते हैं। शुरुआती लक्षण जो कैंसर के होते हैं, हर बीमारी हर जगह के कैंसर की लक्षण जो हैं वो अलग अलग होते हैं। हिंदुस्तानियों में अगर हम पुरुषों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो कैंसर पाया जाता है वो है मुंह का कैंसर और फेफड़े का कैंसर। तो ये दोनों कैंसर जो हैं वो टोबैको से रिलेशन है। टोबैको मतलब तंबाकू खाने से और या उसका धूम्रपान करने से, किसी भी तरीके से तंबाकू के सेवन करने से ये दोनों कैंसर का प्रबलता बढ़ जाती है ये कैंसर होने का। तो अगर मुंह का कैंसर है या गले का कैंसर है तो उसमें जो सिम्टम्स होते हैं मोस्टली जो मरीज को आगाह करते हैं वो है कि कोई छाला हो जो बहुत दिनों से ठीक ना हो रहा हो, और मुंह कम खुलना, मुंह अगर बंद हो जाता है, जबड़ा जाम हो जाता है, अमूमन जो गुटखा तंबाकू खाते हैं उनमें ऐसा पाया जाता है, या आपकी आवाज बदल जाए, तो वो गले के कैंसर में ऐसा होता है कि आवाज बदल जाती है, कोई दर्द जो कानों तक जाए और सर तक जाए वो, ये सब, और बलगम में खून आना, अधिक टाइम तक खांसी होना, ये सारी जो चीजें हैं ये शुरुआती लक्षण हैं कैंसर के। और इसका जैसे ही आपको लगे कि ऐसा आपको कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज कोई ट्रेन्ड डॉक्टर जिसके पास ट्रेनिंग हो कैंसर के इलाज की या डिटेक्शन की, उससे जाके मिलें, या जो सरकारी कैंसर अस्पताल हैं जगह जगह खुले हैं सरकार की तरफ से, दोनों भारत सरकार और जो स्टेट की गवर्नमेंट है सबने कैंसर के लिए बहुत काम किया है और कर रहे हैं, तो आप लोग वहां जाके मिलें। औरतों में हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट कैंसर है वो है स्तन का कैंसर और दूसरा बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। जो स्तन का कैंसर है वो जो हमारे यहाँ अर्बन पॉपुलेशन है, मतलब जो हमारे शहरों में रहती हैं लेडीज, उनमें ज्यादा पाया जाता है, और जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर वो आमूमन लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब निचले वर्ग वाले जो लोग होते हैं उनमें ज्यादा पाया जाता है। तो स्तन के कैंसर में ये है कि कोई गांठ ऐसी महसूस होना, और प्रायः ये गांठ जो है शुरुआती दौर में दर्द नहीं होता है इसमें, या निप्पल में से खून आना, पानी आना, ये जो होता है ये सब स्तन के कैंसर में पाया जाता है। बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में जो दिक्कत होती है वो होती है कि पीरियड के बीच में ब्लड जाना, संपर्क के बाद खून जाना, गंदा पानी, बदबूदार पानी का रिसाव होना, ये सब जो है बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का वो है लक्षण है। तो इसमें आप प्लीज मिलें, ट्रेन डॉक्टर से मिलें, और बायोप्सी लेने से जो भ्रांत है लोगों में कि मर्ज बढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं है, अधूरा काटने से मर्ज बढ़ता है। बायोप्सी या एफएनएसी की जांच जो है, पानी की जांच है, वो बहुत जरूरी है। जब तक कि हमारे पास कैंसर का सेल प्रूव नहीं हो जाए एफएनएसी या बायोप्सी में, हम लोग इलाज आगे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो इलाज है वो बहुत टॉक्सिक है, वो बहुत स्ट्रांग इलाज है। तो जब तक ये प्रूव ना हो कि वो कैंसर एक्चुअली में है, तब तक हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम केवल रेडियोलॉजी, मतलब सीटी स्कैन या पेट स्कैन या एमआरआई के बिना पे बहुत मुश्किल होता है आगे बढ़ना। अच्छा, बच्चेदानी के कैंसर के लिए लड़कियों के लिए वैक्सीन आ गई है जो कि बहुत अच्छी है, बहुत इफेक्टिव है। तो जो हमारी हिंदुस्तानी लड़कियां हैं जो जिनका संपर्क ना हुआ हो, उससे पहले अमूमन 10 से 14 साल की उम्र के बीच की लड़कियों को वो वैक्सीन लगती है,
और उस वैक्सीन से बच्चे दानी के मुंह के कैंसर का प्रिवेंशन होता है जो कि पेपिलोमा वायरस से होता है। ये वैक्सीन विदेशों में मुंह के कैंसर और गले के कैंसर के लिए भी इस्तेमाल होना शुरू हो गई है, बट अभी हमारे यहाँ इसका नहीं शुरुआत हुई है। तो मैं यही समझाना चाहती हूँ कि कैंसर प्रिवेंटेबल है और क्यूरेबल है और इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, बशर्ते ये जल्दी पकड़ा जाए। धन्यवाद।